वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इनिटी लर्न नीड बाई श्री चैतन्य बच्चे आपकी 12th की सीरीज में हमने एस आर एफ इन फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट कर दिया था चार लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज आउट्रीडिंग डिवाइसिस एंड पॉलन पिस्टल इंट्रेक्शन दोनों के बारे में आज हम समझेंगे डिटेल में वर्ड बाई वर्ड एन की हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे एंड

द स्टिग्मा ये सारी बातें हम कर चुके हैं तो आज उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं पोलिनेशन में आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया लेकिन सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन क्या ये इंश्योर करेगा दैट देर विल बी अ फर्टिलाइजेशन और नॉट देन तो शॉर्ट करने के लिए क्या-क्या चीजें होनी चाहिए क्या-क्या बातों को मद्देनजर रखना पड़ेगा प्लांट को उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट बच्चे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस इससे पहले जैसा कि मैम हर एक क्लास में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती है और आपको ये सख्त हिदायत होती है कि अगर आप उस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे तो आपको तो आपको शाउट आउट मिलेगा मैम की क्लास में एकदम राइट इन तो लास्ट क्लास का जो होमवर्क क्वेश्चन था पहले उसको हम समझ लेते हैं ज्योति जिन्होंने बहुत ही क्वेश्चन का आंसर किया होमवर्क क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं क्वेश्चन वॉज of ऑफ द फॉलोइंग of ऑफ पॉलिनेशन require रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू द जेनेटिकली तो ओटोगेमी के जैसा है बट उसे पोलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं आपको थोड़ा समराइज करूं लास्ट क्लास को तो हमने डिस्कस किया था बच्चे वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स फर्स्ट इज ऑटोगैमी जिसमें हमने कहा कि सेम फ्लावर सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट का हम जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर पोलिनेशन हो रहा है सेकेंड वॉज यिटेनोगेमी दिस इज फर्स्ट सेकेंड इज योर जिटोनोगेमी जिसमें आपका दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं वी हैव टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट ऑफ द सेम प्लांट राइट एंड द थर्ड माई डियर स्टूडेंट वॉज योर जीनोगेमी इसको आप जीनोगेमी कहिए इसको आप एलोगी कहिए एक ही बात है जिसमें आपके दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं अब ध्यान से देखिए बच्चे ध्यान से देखिए इस सेकेंड केस को विच इज जिटेनोगेमी जहां पे आपके दो डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट है सेम प्लांट इन्वॉल्व हुआ इसका मतलब यह कि कोई वेरिएशन वहां पे नहीं आएगा दो डिफरेंट फ्लावर है इसका मतलब वी डू नीड एक्सटर्नल एजेंसी तो pollinator की भी रिक्वायरमेंट है हमें इस केस में एंड यहां पे वेरिएशन भी नहीं आएगा जेनेटिकली सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट आपके प्रोड्यूस होंगे तो बच्चे इट इज योर question को देख लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ pollination मे रिक्वायर पोलिनेटिंग एजेंट्स बट इज जेनेटिकली सिमलर टू ऑटोगेमी द आंसर वुड बी योर जीटेनोगैमी विच इज ऑप्शन नंबर थ्री एम आई क्लियर टू एवरी वन एम आई क्लियर टू एवरी वन राइट तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की कक्षा को विच इज ऑन आउट ब्रीडिंग डिवाइसिस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वट आर आउट ब्रीडिंग डिवाइसिस ब्रीडिंग बिटवीन अनर रिलेटेड ऑर्गेनिजम

अपनाता है प्लांट सबसे पहली चीज हो गई आपकी यूनिसेक्सुअलिटी

शियस प्लांट भाई आप समझ लीजिए बहुत डाउट रहता है इस दो टर्म्स में एंड बच्चे ना अक्सर घबराते रहते हैं लास्ट तक आपको समझ नहीं आ पाता कि एक्चुअली मोनोशियस क्या है डायोशियस क्या है यूनिसेक्सुअल क्या होता है बाइसेक्सुअल क्या होता है तो आज अभी इसी क्लास में अपनी इस प्रॉब्लम का निवारण आप लोग करके जाइए तो मोनोशियस एंड द सेकेंड टर्म इज डायोशियस दोनों के बीच में हम डिफरेंस बच्चे समझ लेते हैं वट इज मोनोशियस वट डायोशियस ध्यान से देखेगा मोनोशियस को जनरली हम ऐसा लगता है हमें कि मोनोमिस सिंगल तो क्या ये यूनिसेक्सुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है डाई माने टू तो क्या ये बाई सेक्शुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है हेलो यूवी यू यू बेटा वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग तो भाई समझिए यूनिसेक्सुअल और मोनोशियस पहली बात तो एक ही टर्म नहीं है दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स डायोशियस एंड बाइसेक्सुअल भी एक टर्म नहीं है दीज आर ऑल्सो टू डिफरेंट टर्म्स तो समझिएगा जरा ध्यान से जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं मोनोशियस का मतलब हुआ बच्चे सिंगल मोनो मोनोमिन सिंगल लेकिन सिंगल वॉट सिंगल होम सिंगल होम एंड डायोशियस का मतलब हुआ टू what is two two homes so this is single home for both the sex organs for both the sex organs and this one is two homes for both the sex organs

single。 सेक्स ऑर्गन एंड बाइसेक्सुअल का मतलब हुआ इज प्रेजेंस ऑफ बोध सेक्शुअल अब देखिये कितना डिफरेंट है ये दोनों टर्म मोनोशियस इज अंगल होम फॉर बोध सेक्स ऑर्गन मतलब यहाँ पे आपके बाईसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे आपके दोनों टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते

यूनिसेक्सुअलिटी uh, अगर मेरा फ्लावर पे एक सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो देर इज नो चांस कि वहां पे सेल्फ पोलिनेशन हो जाए ऑटोमैटिकली इट विल एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन ऑटोमेटिकली वहां पे सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो करके क्रॉस पोलिनेशन ही होगा सो so, बच्चे यूनिसेक्सुअलिटी विल एंश्योर क्रॉस ब्रीडिंग इट विल इंश्योर कि आपका क्रॉस पोलिनेशन ही हो आपका

मेल एंड फीमेल फ्लावर आपका अलग अलग टाइम पे मेच्योर होता है उसको आप डाइकोगैमी कहते हैं जैसे कि आई एम हैविंग प्रोटो एंड्री एंड प्रोटो प्रोटोमींस पहले प्रोटोमींस पहले तो अगर पहले आपका एंड्रोजियम मैच्योर हुआ तो उसको हम कहेंगे बच्चे प्रोटो पहले आपका गाइनोजियम मैच्योर हुआ उसको हम कहेंगे आपको दिए हुए हैं अब सुनेगा अगर फ्लावर के अंदर पहले एंथर मैच्योर हो जाता है गाइनोजियम बहुत बाद में मैच्योर हो रहा उससे क्या होगा दोनों में आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा विच मीन वॉट इट मीन सिंपली आपका अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया पोलिनेशन अगर वहां पे नहीं हो पाया इट विल इंश्योर क्रॉस पोलिनेशन वहां पे सेल्फ पोलिनेशन नहीं पॉसिबल होगा और राइट तो चलते हैं थर्ड पे विच इज हेट्रोस्टाइली हेट्रोस्टाइली मीन्स द लेंथ ऑफ द स्टाइल एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन इट कैन वेरी जो लेंथ है वो डिफरेंट होगा दोनों का सिमिलर फंडा अगर लेंथ डिफरेंट होगा तो वहां पे सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे देर विल बी नो

ग्लोरिसा फ्लावर का एंथर डेहीसेंस एट ए स्टिग्मा इज आउट ऑफ द रीच इसका जो एंथर है वो इतने डिस्टेंस पे जा करके होगा ताकि स्टिग्मा एकदम ही आउट ऑफ रीच हो अगर उसका लैंडिंग नहीं हो पाएगा सेम स्टिग्मा पे विच मीन्स वहां पे सेल्फ पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल सेल्फ पोलिनेशन अगर नहीं हुआ विच मींस इट विल प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन राइट हेलो अनामिका आई एम गुड बेटा यस yes एवरीवन तो चलते हैं आगे ऑर्किड प्लांट में आप देख लीजिए देर इज फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट बिटवीन एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम यहाँ पे आपका फिजिकल बैरियर पाया जाता है ताकि सेम फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन ना हो जहां पे कि क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट किया जा सके िटी भी कहते हैं वट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हेलो अलम हव यू वट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जेनेटिक मैकेजम टू अवॉइड सेल्फ पोलन फ्रॉम जर्मिनेशन स्टिग्मा के पास ऐसी पावर्स है कि अगर सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन आ गया वहां पे या डिफरेंट स्पीसीज का पोलन ग्रेन आ गया तो दैट पोलन ग्रेन विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट वो नहीं जर्मिनेट हो पाएगा जब तक की स्टिग्मा की तरफ से गो एहड नहीं मिलेगा तब तक आपका पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाएगा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो इस प्रॉपर्टी को इस पावर को आप सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं कि सेल्फ पोलन को उसने जर्मिनेट नहीं होने दिया ताकि वेरिएशंस आ पाए दूसरी पोलन ग्रेन वहां पे जर्मिनेट हो पाए आ... मैम नीट एग्जाम भी हो गया आपकी क्लास छोड़ने का मन नहीं करता भाई अनामिका दिस इज द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट वी कैरी अच्छा लगता है जब आप आ जाते हो क्लास में अनामिका नाम सुन के देख के ही एक पॉजिटिविटी से भी फील होती है तो सिमिलर थिंग आई थिंक आपके साथ भी होगी तो नॉट ए प्रॉब्लम क्लासेज में आप आते रहिए पढ़ते रहिए साथ में आपको ज्ञान की बातें भी मिलती रहेंगी साथ साथ में हां जी तो हम बात कर रहे थे जेनेटिक मैकेनिज्म है टू तो अवॉइड सेल्फ पोलन फ्रॉम जर्मिनेशन देख लेते हैं कैसे अवॉइड करते हैं तो बच्चों पोलिनेशन तो हो गया हमने देखा पोलिनेशन चाहे ऑटोगैमी से हो जेनोगैमी से हो चाहे जीनोगैमी से हो बट इट डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा सही प्रकार का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हुआ है इट विल नॉट गारंटी दैट उसकी गारंटी कौन लेगा स्टिग्मा एंड पोलन के बीच में डायलॉग होगा आपस में कनेक्शन होगा अगर वो कनेक्शन स्टाब्लिश हुआ विच मीन्स विच मीन्स कि आपका पोलन जर्मिनेट कर जाएगा बट अगर वो कनेक्शन स्टाब्लिश नहीं हुआ तो आपका पोलन ग्रेन विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट लॉर्ड्स ऑफ लव टू यू बेटा नामेगा लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव टू यू स yes. तो बच्चे कई बार ऐसा होता है कि पोलन ऑफ द रोंग टाइप गलत टाइप का पोलन भी लैंड हो जाएगा आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम स्पीसीज इफ इट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिट ऑल्सो लैंड ऑन द स्िग्मा नाउ लैंडिंग तो हो गया अब डिपेंड करता है उस प्लांट पे डिपेंड करता है उस स्टिग्मा के ऊपर ग्रेन जर्मिनेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो बच्चे विच इज द पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑर द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इट विल प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोग Lamy. Example is oftenly observed in the case of plants of families like Solanaceae and Roseaceae. थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं अलम यस बेटा यू आर मोस्ट वेलकम टू आर क्लासेस डेली बेसिस पे क्लास होती है सेम टाइम पे क्लास होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो मॉर्निंग में भी हमारी 12:30 पे क्लास होती है इवनिंग में भी हमारी सिक्स पी पे क्लास होती है ठीक है चलिए तो हम बात कर रहे थे बच्चे ये एक केस सिनेरियो है दूसरा केस सिनेरियो ये है आपके सामने फर्स्ट वन डिफरेंट या सेल्फ पोलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा पे नाउ व्हाट विल हैपन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा लेकिन अगर सेम स्पीसी का कंपैटिबल पॉलन ग्रेन आ गया देन देर विल बी जर्मिनेशन पॉलन टू फॉर्मेशन होगा एंड देर विल बी जर्मिनेशन तो इस केस में ऐसा क्या हुआ कि यहां जर्मिनेशन हुआ इसमें ऐसा क्या लैक हुआ कि यहां जर्मिनेशन नहीं हुआ हेलो अजय कुमार जल्दी आओ क्लास में तो जो पिस्टिल है बच्चे जो स्टिग्मा है इट हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन उसके पास शक्तियां है सुपर पावर्स है रिकॉग्नाइज करने की पोलन को वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप और इट इज ऑफ रॉन्ग टाइप वो राइट right टाइप का पोलन ग्रेन है इज या रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है सिंपल सी बात है जब पोलन ग्रेन ने आपके लैंड किया तो आइदर इट कैन बी ऑफ राइट टाइप और इट कैन बी ऑफ रॉन्ग टाइप वट इज राइट वट इज राइट वट इज रॉन्ग राइट टाइप का मतलब सिंपली ये हुआ बच्चे कि जो पोलन है आपकी वो सेल्फ फ्लावर की नहीं है सेल्फ पोलन ग्रेन नहीं है दूसरा डिफरेंट स्पीसीज की नहीं है ये दोनों चीजें अगर नहीं है दैट विल बी राइट टाइप दोनों चीजें अगर है तो दैट विल बी रॉन्ग टाइप दैट विल बी रॉन्ग टाइप ऑफ

को प्रमोट करेगा वो आपके क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगा कैसे करेगा जी देख लेते हैं द एबिलिटी हेलो संतान आर यू द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकोगनाइज द पोलन और रिकग्नाइज करेगा फॉलोड बाई इट्स एक्सेप्टेंस इफ इट इज ऑफ राइट टाइप और रिजेक्शन इफ इट इज ऑफ रॉन्ग टाइप is the result of a continuous chemical dialogue between pollen grain and the pistil aaya pollen grain कि लैंडिंग हो गई है पिस्टल के ऊपर ठीक बात है अब जब पिस्टल के ऊपर उसकी लैंडिंग हो चुकी है तो पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कि जो पोलन ग्रेन है ये मेरे लिए सही है कि नहीं है अगर ये सही है तो उसको एक्सेप्ट करेगा सही नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा ये कैसे फाइंड आउट करेगा देर विल बी कॉन्टिन्यूस केमिकल डायलॉग बिटवीन पिस्टल एंड द पोलन ग्रेन तो उस केमिकल डायलॉग का रिजल्ट अगर ये हुआ कि दिस इज द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन दैट विल बी फॉलो बाई द एक्सेप्टेंस ऑफ दट पोलन ग्रेन और अगर उसका रिजल्ट ये हुआ दैट दिस इज द रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन तो दैट विल बी रिजेक्टेड एज सच राइट एवरी वन दैट विल बी रिजेक्टेड पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिगमा टू प्रोड्यूसन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जम्पोर एक जम्पोर से वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगा राइट सो पोलन ट्यूब विल ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिगमा एंड स्टाइल एंड रिचेज अप टू द ओवरी ये आपका डायग्राम से समझ लेते हैं ये आपका स्टिग्मा हुआ ये आपका स्टाइल हुआ ये आपका ओवरी बन गया ठीक है जी तो बच्चे मेरे यहाँ पे आपकी पोलन ग्रेन थी जर्मिनेट हुई पोलन ट्यूब बनाई ऐसे वो स्टिग्मा से नीचे गई एंड फाइनली आपकी ओवरी तक वो पहुंच गई अब जब पोलन ट्यूब मैंने दिखाया कि स्टाइल के अंदर से गया के अंदर जाने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं वो क्या रास्ते हैं मैं अभी आपको बताती हूं ठीक है यहां तक आया समझ यहां तक कोई डाउट है बच्चों तो प्लीज पूछ लो यहां तक कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो जो ये ग्रोथ है पोलन ट्यूब की इट इज कीमोट्रॉपिक कीमोट्रॉपिक केमिकल इंटरेक्शन देर इज केमिकल इंटरेक्शन जिसकी वजह से आपका पोलन ट्यूब बन रहा है केमिकल राइट? Right? चलते हैं जी आगे अब मैंने कहा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन टू ओव्यूल टेक्स प्लेस थ्रू डिफरेंट प्लेसेस फर्स्ट इज पोरोगेमी, पोरोगैमी सेकेंड इज योर चलेजोगेमी थर्ड इज योर मीजोगैमी अगर तो पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल एंड के थ्रू है कहां से बच्चों माइक्रोपाइल एंड के थ्रू तो उसको हम कहेंगे पोरोगेमी उसको हम कहेंगे पोरोगेमी अगर पोलन ट्यूब की एंट्री चैलेजल एंड से हुई तो उसको हम कहेंगे चैलेजोगेमी उसको हम कहेंगे चेलेजोगी देन वी हैव द मीजोगी अगर एंट्री आपका इंटेग्यूमेंट के थ्रू होता है तो उसको हम कहेंगे मीजोगी सो वी हैव पोरोगैमी वी हैव चेलेजोगी एंड वी हैव द मीजोगी वी हैव दीज थ्री डिफरेंट टाइप्स बेस्ड अपॉन कि पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से हो रहा है अगर माइक्रोपाइल से एंट्री हुआ इट विल बी पोरोगैमी अगर चेलेजल एंड से हुआ इट विल बी चेलेजोगी और अगर इंटेग्यूमेंट से हुआ दैट विल बी मीजो गैमी तो ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्री आपकी पोलन ट्यूब की हो सकती है वेटिंग फॉर द क्वेश्चन ठीक है जी पोरोगी बच्चों, इट इज फॉर माइक्रोपाइल एंड मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आपको पोरोगैमी देखने को मिलेगा फॉर चेलेजोगी चेलेजल एंड से होगा कैजोरीना में आपको चेलेजोगी देखने को मिलेगा मीजोगैमी आपका एंटेगुमेंट से होगा कुकरबिटा में आपको मीजोगैमी देखने को मिलेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चो

पोलिनेशन आपका हुआ ठीक है पोलिनेशन से मैंने कहा पोलिनेशन विल नॉट इंश्योर फर्टिलाइजेशन पोलन ने एधर कर लिया देन देर विल बी पोलन हाइड्रेशन अगर ये राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है देर विल बी एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पोलन ग्रेन दैट विल अधर एंड देर विल बी पोलन जर्मिनेशन जर्मिनेट करने के बाद पोलन ट्यूब बन जाएगा पोलन ट्यूब की एंट्री होगी आपकी स्टिग्मा के थ्रू पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द तो स्टाइल के थ्रू उसकी ग्रोथ होगी पोलन ट्यूब एंट्री इन द ओव्यूल में वो फाइनली एंटर कर जाएगी ठीक है तो पोलन ग्रेन आपकी लैंड हुई

हमने ये समझा पोलिनेशन चाहे ऑटोगैमी हो चाहे हो चाहे जीनोगेमी हो तीनों ही टाइप के पोलिनेशन में व्हाट विल है कैसे मिलेगा देर विल बी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पोलन ग्रेन का एंड स्टिग्मा का इंटरेक्शन होगा दैटी केमिकल डायलॉग दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग होगा अगर तो स्टिग्मा को ऐसा jesus whether it is the right type of pollen grain then there will be acceptance of that pollen grain और अगर ऐसा हुआ कि रॉन्ग टाइप है देर विल बी रिजेक्शन अब ये राइट और रॉन्ग टाइप कैसे डिसाइड होगा राइट right टाइप का मतलब ये हुआ कि जो पोलन ग्रेन है आपका वो सेल्फ पोलन नहीं है नंबर वन नंबर टू जो पोलन ग्रेन है आपका डिफरेंट स्पीसीज से तो नहीं आ गया वो सेम का ही पोलन पोलन ग्रेन है तो ये दोनों चीजें इंश्योर करेंगी दैट दिस इज द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन राइट टाइप होगा तो एक्सेप्टेंस उसका हो जाएगा एक्सेप्टेंस हो जाएगा मतलब आपकी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा पोलन ट्यूब बनेगी तो आप आगे फर्टिलाइजेशन के लिए वो आगे बढ़ जाएगी नाउ वी हैव अ टॉपिक छोटा सा टॉपिक इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन द क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट विल बी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो स्पीसी प्रोड्यूस होंगी दे आर कॉल्ड एज हाइब्रिड्स जो प्रोजेनी निकल के आई है उसको आप हाइब्रिड कह देते हैं इन प्लांट ब्रीडिंग द पोलन ग्रेन फ्रॉम स्पीसीज दैट हैव द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर केयरफुली चोजन De दो स्पीसीज है मेरे सामने स्पीसीज वन एंड टू इसकी कुछ अलग खास बातें हैं इसकी कुछ अलग खास बातें हैं आई वॉन्ट टू क्रिएट जिसमें इन दोनों की खास बातें देखने को मिलेंगी देन आई विल डू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वट इज दैट मैं दोनों का हाईब्रिड प्रोड्यूस कर दूंगी ताकि मेरे पास दोनों क्वालिटी वाली चीजें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाए तो बेनिफिट क्या होगा विल ग्रोथ अच्छी ग्रोथ होगी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बॉड द थिंग्स आई बी एबल टू गेट देयर विल बी ट्रेमेंडस ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट भी आपको मिल जाएगा क्रॉप दैट कैन सस्टेन एक्सट्रीम टेम्परेचर ऐसी क्रॉप जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को सस्टेन कर सकती है दैट आई बी एबल टू गेट थ्रू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नाउ कैसे करते हैं पहली चीज तो अगर मेरा जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बट अगर मेरा फ्लावर बाई है तो व्हाट आई डू फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू इमेस्कुलेशन व्हाट इज दैट देयर वुड बी रिमूवल ऑफ द एंथर एंथर को मैंने रिमूव कर दिया तो उस फ्लावर में बचा सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन राइट अब आपने इमेस्कुलेशन कर दिया इमेस्कुलेशन करने के बाद यू विल डू बैगिंग आप उसकी कवरिंग कर देंगे स्टिग्मा की

सिंगल सेक्स ऑर्गन तो हमको जरूरत नहीं है बच्चे एंड्रोजियम को हटाने की राइट right? तो यहां पर एंड रीबैगिंग कर दिया यूनि सेक्सुअल केस में देर इज नो इमेस्कुलेशन देर बी जस्ट बैगिंग एंड देर विल बी रीबैगिंग वापस उसको रीबैगिंग कर दी जाएगी राइट right? तो बच्चे दिस इज यमवर्क क्वेश्चन फॉर टूडे क्लास छोटा टॉपिक था नेक्स्ट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चे छोटा सा टॉपिक था ये होमवर्क क्वेश्चन जरूर जरूर करना होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में देना है कॉमेंट सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देना बच्चों आई विल पर्सनली सी ऑल ऑफ योर कमेंट्स एंड एंड आई विल गिव यू एन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो आई विल गिव यू ए शाउट आउट यस yes, तो ये काफी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास थी आपकी जिसमें आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है आप प्ले में पुराने टॉपिक्स को भी देख लीजिए बच्चे पूरा टॉपिक आपका कवर होता चला जाएगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए भी है चैप्टर फिनिश होने के बाद हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के ठीक है ठीक है बच्चे संता नेक्स्ट क्लास का टॉपिक विल बी वी विल बी कवरिंग डबल फर्टिलाइजेशन जो कि एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आल्सो राइट राइट एवरी वन चलिए जी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए अपना ख्याल रखो सारे बच्चे मस्त रहो स्वस्थ रहो व्यस्त रहो त्रस्त मत हो परेशान मत हो खुश रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे जो भी क्लास आपकी अपलोड होती है राइट right, बच्चो सी यू अराउंड गुड बाय डू टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ बाय बच्चों